हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के। तो क्वेश्चन नंबर 16 आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 17 जो कि ऑब्जेक्टिव है वो भी साथ साथ बताया जाएगा। तो बने रहेंगे साथ साथ, आपको बहुत ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चंस और ये रहे आपके फिगर। नाउ हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे, बट उसके पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक टाइप्स का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, पिछले लेक्चर्स में बताया जा चुका है। अगर मान लेते हैं ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके जो साइड होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है हमें, थ्री टाइम्स द स्क्वायर्स ऑफ, सबसे पहले नाउ ये बात प्रूव दैट की छोड़ करके हम गिवन क्या किया गया है वो पॉइंट लिख लेते हैं। गिवन के बाद हम टू प्रूव पर चलते हैं। गिवन क्या किया गया है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी सी एक टाइप्स का क्या है आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। नाउ यहाँ तक तो हमें कन्फर्म है। फिर हम क्या करते हैं, टू प्रूफ पे चलते हैं। टू प्रूफ की कंडीशन क्या है, टू प्रूफ बताया गया है कि थ्री टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी भी स्क्वायर यानी कि किसी भी साइड, कोई भी वन साइड हम लेंगे, चाहे ए बी लीजिए। जब आपका ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया है तो वी नो दैट हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये हो सकता है। स्टार मान लेते हैं इसको। कैसे, जब इक्विलेटरल भैया ट्राइंगल है तो ए बी बी सी एंड ए सी ये दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। एंड ए डी परपेंडिकुलर, टू प्रूव लास्ट में लिखेंगे, ए डी परपेंडिकुलर बी सी। ओके, ए डी परपेंडिकुलर लंबवत है किस कंडीशन पे, बी सी पे। यहाँ तक नाउ कन्फर्म हुआ। चले, टू प्रूव कह रहा है कि थ्री टाइम्स, सबसे पहले थ्री लिख लेते हैं, थ्री टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी भी वन साइड का स्क्वायर हम ए बी ही मान लेते हैं। चलिए ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, वन साइड इज इक्वल होना चाहिए फोर टाइम्स, सबसे पहले फोर टाइम्स है, फोर कर लिए, फोर टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इस अल्टीट्यूड्स। और अल्टीट्यूड्स क्या होता है, जो कि परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है किसी भी आपके ये बिंदु पर, पॉइंट पर। तो ए बी बी सी एंड ए सी तीनों आपस में इक्वल हैं, तो बी सी इज परपेंडिकुलर ए डी, तो परपेंडिकुलर यानी अल्टीट्यूड से ए डी ही हुआ हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए डी, वो भी क्या स्क्वायर में, कैसे, फोर टाइम्स द स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ वन अल्टीट्यूड, वन अल्टीट्यूड तो वन ही है। और हम कंडीशन एक ले लिए, चाहे ए बी लीजिए या फिर बी सी या फिर ए सी, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हैं, ध्यान रखिएगा। अब नाउ हम बात करते हैं प्रूफ के कंडीशन, चलते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए डी बी में, इन ट्राइंगल ए डी बी में, ए डी बी में करते हैं, तो एंगल ए ए डी बी में, सॉरी ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी से हम लेते हैं, कैसे, ए बी डी, ये आपका एक ट्राइंगल बन गया। ओके, तो हम करते क्या हैं कि ए डी बी, यहाँ तक आपका एंगल्स बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहे हैं। डी जो है वो बीच में आपके 90 पॉइंट्स इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि ये क्या होंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ तक कंफर्म हो गया, तो ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ तक कंफर्म हो गया। आगे के प्रोसेस में हम क्या लिखते हैं, जब ये ए डी बी आपका 90 डिग्री हो गया है तो नाउ हम बाई पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हैं। बाई, अरे भैया, ए बी डी हम ट्राइंगल ले लिए, तो ए डी बी हम क्या कर लिए, 90 डिग्री के इक्वल ले लिए, ये हमारा एंगल वन मान लिए, ये हम एंगल टू मान लिए, ध्यान रखिएगा। ओके, बाई पाइथागोरस, ऊब गए होंगे ना, अरे भैया पाइथागोरस कितनी बार आओगे, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं जितनी बार आता है, बहुत ईजी है पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ही मजा के है ना। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हम करते क्या है, ए बी डी जब लिए हैं तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी प्लस बी डी, स्क्वायर में होगा ना, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हम मान लेते हैं पोजीशन फर्स्ट, यानी कि कंडीशन नंबर फर्स्ट, समझ में आ गया। भाई पाइथागोरस से ए बी डी में ट्राइंगल ए डी बी हमारा एंगल 90 डिग्री का हो गया। फिर ए बी स्क्वायर इक्वल टू हम मान लिए हो जाएगा
AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। नाउ वी नो दैट हमें कन्फर्म है जब हमें निकालना होता है क्या BC अगर चूंकि अगर निकालना हुआ BC की वैल्यू BC इक्वल टू हमें निकालना हुआ तो क्या करेंगे BD प्लस DC यही तो करेंगे ना। अरे भैया BC फुल फॉर्म निकालना है तो BD प्लस DC इक्वल टू BD प्लस BD कैसे क्योंकि आपस में ये दोनों इक्वल हैं तो ये हो जाएगा 2BD। ऑलरेडी बेचारा ये सीधे साधे ऐसे आराम से चल रहा है अभी कुछ बोल नहीं रहा है आगे बोलने वाला है धमाकेदार। तो ये जो B2 है मल्टीप्लाई में है यहाँ पे आ जाता है डिवाइड में हो जाता है इक्वल टू BD। नाउ ये हम बना लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब क्या हुआ BD की वैल्यू ले आ करके इसी में पुट कर देते हैं कुछ तो मिलेगा BC मिलेगा और BC को हम AB के अगर इक्वल कर लिए थे 4 times वो 3 times हमारा ये प्रूफ तो यही करना है तो कुछ माइंड में बना चलिए। तो नाउ करते क्या हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू BD इक्वल टू हाफ BC फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट यानी कि सेकेंड इक्वेशन से BD इक्वल टू हाफ BC हम फर्स्ट में रख लेते हैं तो आपकी इक्वेशन क्या है AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD के प्लेस पे हम क्या कर लेते हैं हाफ BC पुट अप कर लिए वर्ग है तो वर्ग कर लिए कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। घात होता यानी कि घात होते हैं जैसे हम लगाते हैं उसमें आप पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण ओके तो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये सब इक्वेशंस वगैरह पढ़ चुके हैं तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये हो गया AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 1/2 का 1/4 हो गया BC का होल स्क्वायर यहाँ तक हो गया। अब चलिए हम आगे के प्रोसेस पे चलते हैं टू प्रूफ ये वाली कंडीशंस हम याद रखेंगे ओके टू प्रूफ की हम कंडीशंस यहाँ लिख देते हैं 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर टू प्रूफ ये हमें ले आना है ओके ध्यान रखिएगा। तो अब इसके आगे से हम सॉल्व करते हैं यानी कि इसके आगे से वो क्या जाएगा इम्प्लाइज दैट AB स्क्वायर इक्वल टू अगर उसी प्लेस पे लिख रहे हैं तो थोड़ा सा एक दो लाइन में छोड़ भी सकते हैं बट अगर कहीं अलग प्लेस पे लिख रहे हैं डिफरेंसेस प्लेस पे तो ध्यान रखिएगा बच्चों आप ये लेफ्ट साइड जो वैल्यू कुछ भी हो राइट साइड हो लेफ्ट साइड हो जो हम फाइंड कर रहे होते हैं उसे ज़रूर लिखना उसे लिखना नेसेसरी होता है कन्फर्म ओके AB स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया AD स्क्वायर प्लस हाफ AB वी नो दैट हमें कन्फर्म है चूँकि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC AB BC AC चूँकि क्यों क्योंकि ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल लेटेरल ट्राइंगल गिवन किया गया था इक्विलेटरल ट्राइंगल है AB BC AC आपस में इक्वल है तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे नाउ पुटिंग द वैल्यू द प्लेस ऑफ BC इंटू चेंज किस में चेंज कर देते हैं AB चेंज कर देते हैं BC के प्लेस पे AB तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस हाफ AB स्क्वायर कुछ मिल रहा है। अगर हम करते हैं बच्चों AB स्क्वायर माइनस ये प्लस में है इस साइड अगर हम ले आएँ हाफ सॉरी 1/4 है भैया ध्यान रखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाता सारा मामला क्यों क्योंकि आप स्क्वायर किए हैं तो 1 का 1 ही रहेगा 2 का 2 इंटू 2 4 हो जाएगा हाफ AB स्क्वायर इक्वल टू बचा क्या है इस साइड का AD स्क्वायर बचा है ओके यहाँ तक कन्फर्म है यहाँ तक तो हमारा कन्फर्म ही हो चुका है। आगे के प्रोसेस में क्या करते हैं इम्प्लाइज दैट AB ये हम क्या करते हैं 4 नीचे हम LCM ले लेते हैं इधर क्या है डिनोमिनेटर में 1 है तो इधर हो जाएगा 4AB स्क्वायर माइनस 4 तो डिनोमिनेटर में मिल रहा है सेम तो ओनली AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं 4 में ए मतलब कि 4 में 1 4AB स्क्वायर माइनस चाहे 1 इंटू AB स्क्वायर लिखिए या फिर ओनली AB स्क्वायर लिखिए बात तो एक ही होगी 4 में से 1 सब्सट्रैक्ट हुआ 3 बचा
फोर में से वन सब्सट्रैक्ट हुआ, थ्री बचा, तो इधर हो जाएगा थ्री ए बी स्क्वायर अपान फोर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। प्रूफ क्या करना था, थ्री ए बी स्क्वायर, चलिए मिल गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए डी स्क्वायर, डिवाइड में है इस साइड गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, डिनोमिनेटर वन है, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे इक्वल टू रहेगा ही, तो थ्री ए बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए डी स्क्वायर, ये कंडीशन आपकी हुई हैंस प्रो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वीडियो को पोस्ट कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि साथ ही साथ आप समझ लीजिए पीडीएफ नोट्स तो हम ऑलरेडी प्रोवाइड कराते ही रहेंगे। तो इस लेक्चर्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी एक चाहे आर्डर समझिए या फिर रिक्वेस्ट, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि आप कंफर्टेबली लिखते रहेंगे, आफ्टर दैट हम पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे, अभी तो जस्ट हम करवा नहीं रहे, तो साथ साथ आप नोट डाउन भी करते चलेंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो चलिए बच्चों, आपका नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 17 के। ये है टिक द करेक्ट आंसर, अभी जस्ट हम बता रहे थे कि ये अपोजिट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अपोजिट तो उल्टा हो जाता है, ऑब्जेक्टिव है बहुविकल्पी, तो फोर ऑप्शंस आपके लिए स्पेशली दिए गए हैं आपके लिए, तो आप टिक करेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा रूल बता देते हैं इसमें, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन नंबरिंग्स आते हैं, टेक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई, आप करेक्ट आंसर लगाइए, जस्टिफाई कीजिए कि ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल हम ए बी सी नॉमिनेट कर दिया गया है, ए बी सी जहाँ पे ए बी इक्वल टू सब कुछ दिया गया है, प्रोसेस इतना ईजी है बेचारा, बहुत सरल स्वभाव का है, नेचर बहुत बढ़िया है, सब कुछ आया है, ए बी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर बताया गया है, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बताया गया है, तो ट्राइंगल एंगल बी इज, तो इस एंगल बी की वैल्यू पुटअप कर रहा है, पूछ रहा है, तो ना हम करते क्या हैं, बाई पाइथागोरस, वही अपना पुराना धर्रा, ओके थ्योरम, वही पुराना अपना रूल लेके चल रहे हैं, धर्रा मतलब क्या होता है, रूल होता है, नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आपका ए सी सबसे बड़ा वाला जो प्रोसेस होगा इसमें 6√3 एंड 6 में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, 12 है, तो 12 सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए हम इसे क्या मान लेते हैं, अपना हाइपोटेनियस मान लेते हैं, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी की वैल्यू क्या किया गया है, 12 दिया गया है, आगे हम डबल जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, एक तो इम्प्लाइज दैट एंड सेकंड इक्वल, अगर दोनों इक्वल टू लगा देते हैं वो प्रोसेस रॉन्ग हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ए बी स्क्वायर क्या होता है, 6√3 दिया गया है, ये भी होल स्क्वायर है, दोनों को जो भी है फटाफट लगाते चलेंगे, बी सी क्या है, 6 दिया गया है, नाउ हम इम्प्लाइज दैट करते हैं, 12 × 12 144 आ जाता है, 6 × 6 √3 × √3 ऐसे प्रोसेस करेंगे, 6 × 6 ये हो जाएगा 36, अरे भैया देख रहे हैं, ऐसे करेंगे कि 6 × 6 डबल बार है तो हो गया 36 × √3 × √3, तो पता है अंडर रूट एक ही होगा, तो ये हो जाएगा 3, अंडर रूट होता क्या है, अंडर रूट इन कोई भी प्रोसेस हो, अंडर रूट में डबल हो, अगर 6 है तो ये 6 निकलेगा वहाँ से, √√1 का मतलब होता है, ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, तो इस प्रोसेस में हम क्या कर लेते हैं, आगे क्या प्रोसेस, 36 × 3 प्लस 6 × 6 36, ये हो गया 100 144, इम्प्लाइज दैट 36 × 18 = 3 × 91 = 10 प्लस 36, ऐड करेंगे 144 = 144, इट्स मीन्स ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इट सेटिस्फाई, यानी कि ये सवाल जो है ये बाई पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, हैंस जब सेटिस्फाई करता है तो करेक्ट आंसर हमें आ रहा है ये हो जाएगा कि 90 डिग्री, कैसे, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, भैया 90 डिग्री राइट एंगल तभी होता है जब वो क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, और यहाँ पे वन लेफ्ट टू राइट आया है, इट्स मींस पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो एंगल पूछा गया है वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो लिखेंगे क्या, सो
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. इट्स मीन्स एंगल बी पूछा गया था इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल भैया अच्छे से बना लो. ए एन यस. ये तो रहा बहुविकल्पी. थोड़ा सा कमाल था कि सब कुछ दिया गया था बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम पुटअप कर लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वैल्यू पुटअप कर लिया और सब कुछ पा लिया. तो नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप कहेंगे सब कुछ मैम इंपॉर्टेंट करती हैं. इंपॉर्टेंट तो सब ऑलरेडी सब कुछ पढ़ना होता है, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल हम बताते हैं. क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट बेहद आपके लिए ये होने वाला है कि एक्सरसाइज अभी तो हम 6.5 आज खत्म हो चुका. नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे थ्योरम 6.6. आफ्टर दैट उसके सॉल्यूशंस क्वेश्चंस सब कुछ मिलेंगे. लेकिन थ्योरम 6.6 के लिए आप तब तक इंतज़ार कीजिए और लॉकडाउन का मज़ा उठाते रहिए. घर पे ऑनलाइन कोर्सेस जारी रखिए और पढ़ते रहिए. बिल्कुल भी हो सकता है ऑनलाइन पेपर्स भी हों तो आपके एग्ज़ाम्स हों, तो उसके साथ साथ तैयारी करते रहिए. बिल्कुल पीछे मत हटिए. आप एग्ज़ाम देने के लिए टॉप करने के लिए तैयार रहिए. तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों. साथ ही साथ आपको PDF नोट्स मिलेगा ही. मे गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक बच्चों. तो आज तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ. तो थ्योरम 6.6 एक्सरसाइज 6.6 कुछ भी कहिए वो लेकर के हम नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में आएंगे. तब तक के लिए आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए. कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और पूछिए पढ़ाई के विषय में.